प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हो जाए, प्रणाम पाती कहिए कि सीधे कहा कि दोनों के नाम आवे की हो यहाँ पर 16 तारीख अपने आवे के साथ नरेंद्र मोदी जी के पुनः प्रधानमंत्री बनावे ला संकल्प लेकर के चार 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 के संजोग 400 सीट 40 सीट 4 तारीख 4 नंबर चार चार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कुशवाहा समाज को चुनावी बैठक में संबोधित करने के दौरान साफ साफ स्पष्ट रूप से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो गया आ रहे हैं। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री मोदी चुनावी प्रचार प्रसार के लिए 16 अप्रैल को गया आएंगे, ऐसा साफ साफ खुले मंच से जीतन राम मांझी ने कहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई है और उसके बाद जब मोदी जी मिले तो उन्होंने कहा कि हम आपके गया आ रहे हैं। तो ऐसे में जीतन राम मांझी ने कहा है कि खुले मन से आपका स्वागत है। अब ऐसे में क्या कुछ आगे होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन सबसे पहले सुनिए कि और क्या कुछ कहते नजर आए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हो जाए, प्रणाम पाके कहिए कि सीधे कहा कि दोनों के नाम आवे की हो यहाँ पर 16 तारीख अपने आवे के साथ। तो 16 तारीख के प्रधानमंत्री की आई थी, उनका स्वागत करने। अब दूसरा बात, कल 9 तारीख है, 9 तारीख के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी के पुनः प्रधानमंत्री बनावे ला संकल्प लेकर के चार 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 के संजोग है। ठीक है, कल तो 400 सीट 40 सीट 4 तारीख 4 नंबर ये सब चारे चार चार है ना। वही EVM के 4 नंबर सीरियल में और कड़ाही छाप खाली थोड़े है, एकरा में कमल है, एकरा में कोटी वाला वाला हेलीकॉप्टर है, एकरा में तीर है, एकरा में सिलेंडरो है, सब देखो है। ये है सही तरह से कड़ाही के एकदम भरपूर करते हो और ताकि नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ मजबूत हो। वैसे ही छोटा मोटा मुद्दा लड़ाई झगड़ा जकर बात आ जाए जी काल तुम ई लड़ू लड़ू बनो ना, ये छोटा मुद्दा है और बटलोही बड़ा मुद्दा है जेकर चर्चा कैलू। तो बटलोही प्राप्त करेला अगल बगल के तनी मनी भी अगर मन में बात है तो भुला देवे के चाहिए। तो सुना आपने किस तरीके से जीतन राम मांझी ने स्पष्ट तरीके से चुनावी बैठक को संबोधित करने के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 16 अप्रैल को गया आएंगे। और उसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि गंगा जल को हर घर घर पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, लेकिन फिर भी बहुत सारा काम मगध में बाकी रह गया है और ऐसे में सिंचाई की जो तमाम व्यवस्था है उसके ऊपर कार्य करने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ तमाम अन्य छोटे छोटे जो दल हैं यानी NDA गठबंधन है वो अब सत्ता में आकर के ये सब काम करने को कहीं ना कहीं तैयार है। और ऐसे में उन्होंने साफ प्रधानमंत्री मोदी का खुले मन से जो है स्वागत किया है गया में। उन्होंने साफ तरीके से प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि आप हमारे गया आइए। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा कि वो गया आएंगे। और ऐसे में जीतन राम मांझी ने चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान खुले मंच से बड़ी बात कह दी है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो 16 अप्रैल को गया पहुंचेंगे, गया में तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके लिए चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री मोदी बैक टू बैक बिहार आ रहे हैं, लगातार दौरों का क्रम जारी है, इसलिए क्योंकि अब चुनाव सर पे है। ऐसे में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी, मगर इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए जीतन राम मांझी उनकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अब तैयार हैं। गया की धरती से प्रधानमंत्री मोदी 16 अप्रैल को चुनावी शंखनाद करेंगे और फिर उसी के साथ साथ आगे की रणनीतियों पर कामकाज होगा। ऐसे में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारी ताकत है, सच की ताकत है। धन्यवाद।